ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के भव्य उद्घाटन में दिखी भारत की शान। पीवी सिंधु बनी ध्वजवाहक। भव्य उद्घाटन के बाद ऑस्ट्रेलियाई मुक्केबाज टेलाह रॉबर्टसन ने जीता पहला पदक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने CBSE पेपर लीक मामले में CBSE की परीक्षा प्रक्रिया की जाँच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध को लेकर तनाव बढ़ने से आज वैश्विक बाजारों में जोरदार गिरावट। भीमराव अंबेडकर पर राजनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरी पार्टियों पर हमला, कहा दलितों के मसीहा पर जितना सम्मान हमारी सरकार ने किया उतना किसी और ने नहीं किया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा केंद्र सरकार शिक्षा और नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बनी आरक्षण नीति को रद्द नहीं करेगी और ना ही किसी और को करने देगी। काला हिरण मामले में सलमान खान और सैफ अली खान पर फैसला कल। सुनवाई को जोधपुर पहुंचे सैफ अली खान अपने ड्राइवर पर झल्लाए, कहा एक पड़ेगी। भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीदने की पेशकश कर सकता है अमेजन, वॉलमार्ट भी है दौड़ में। कश्मीर पर अफरीदी के विवादित बोल के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली का जवाब, बोले देश के खिलाफ किसी बात का समर्थन नहीं करूंगा। CAG की रिपोर्ट के बाद केजरीवाल सरकार पर घोटालों के आरोप, कपिल मिश्रा ने कहा 5400 करोड़ का है राशन घोटाला। BJP बोली छोटे लालू हो गए हैं केजरीवाल। मध्य प्रदेश में 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा देकर घिरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बचाव में उतरी उमा भारती, बोली संत भारतीय संस्कृति का हिस्सा।